भाई जस्ट थोड़ी सेकंड रुको आप भाई, देखो जैसे ही नाइट कंप्लीट हुई ना, देखो नाइट स्टार्ट हो गई, नीचे चांद आ गया सन की जगह पे, और भाई सारे पोकेमॉन मेरे भागते हुए हैं। ऐसा नहीं कि इनको डर लग रहा है, ऐसा है कि जैसे इनकी शिफ्ट खत्म हो गई है और इनको अब सोना है। तो भाई हमें चाहिए चिलियाड, भाई मुझे ग्रीन कलर का पोकेमॉन दिख रहा है जिसका पूरा नाम है कैपरिटी, और ये भाई इसका एक छोटा पोकेमॉन मेरे पास है उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो इस ग्रीन वाले को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो भाग रहा है यार, नहीं तो डर गया, इसको नहीं कर सकते। और भाई नीला वाला पोकेमॉन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आई थिंक यही है चिलियाड, और भाई ये है हमारा मेन पोकेमॉन जिस पे हमें अटैक करना है। भाई यही हमारा मेन टारगेट आज के दिन का, यही है हमारा पहला बॉस पोकेमॉन। भाई ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है, अगर हमने इसे पकड़ लिया तो बहुत ही तगड़ा एडिशन हो जाएगा हमारे कलेक्शन में, और भाई इसको पता चल गया कि हमने इस पर अटैक किया है। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पाल वर्ल्ड। भाई ये अभी का है ना सबसे ज़्यादा फेमस गेम है, अगर कोई भी गेमिंग चैनल उठाकर देखोगे ना, पहले आप डेट्रेक्स गेमिंग देख लो, नवरत गेमिंग देख लो, टोटल गेमिंग देख लो, या भाई टेक्नो गेमर को देख लो, सब लोग ये गेम खेल रहे हैं। तो भाई मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ इसी का एक और गेम प्ले वीडियो, जहाँ पर हम लोग कैप्चर करने वाले हैं अपने पहले बॉस पोकेमॉन को। और भाई इसके अंदर मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, इसके अंदर मैंने सब जितने भी पाल हैं उन सबको मैंने ग्राउंड फ्लोर दिया हुआ है, खुद के लिए मैंने रखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर, जिसमें मैंने अपना बेडरूम बनाया हुआ है। और भाई ये है पूरी बड़ी चौड़ी बालकनी, इसके अंदर से दिखता है बहुत ही प्यारा व्यू, फिलहाल तो नाइट का टाइम है बट डे का व्यू बहुत ही प्यारा दिखता है। भाई इसकी तरफ से नीचे की तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने बहुत सारे पोकेमॉन पीछे की तरफ काम पर लगा रखे हैं, और अगर आप देख पा रहे हो भाई पीछे की तरफ मैंने पूरा मैंने बैकयार्ड बनाया हुआ है जिसमें सारे पोकेमॉन्स काम कर रहे हैं। अभी अगर आपको जस्ट नीचे एक मार्क दिखाई दे रहा है जिसमें सन बना हुआ है, उसके साइड में एक सर्कल है छोटा सा, जैसे वो सर्कल पूरा हो जाएगा ना नाइट हो जाएगी कंप्लीट, और भाई जितने भी पोकेमॉन्स मेरे सामने काम कर रहे हैं ना उनको मैं भागते हुए आकर आता हुआ दिखाऊंगा। अभी आपको देखना थोड़ा सा टाइम बचा है, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन भाई, जस्ट थोड़ी सेकंड रुको आप भाई। देखो जैसे ही नाइट कंप्लीट हुई ना, देखो नाइट स्टार्ट हो गई, नीचे चांद आ गया सन की जगह पे, और भाई सारे पोकेमॉन मेरे भागते हुए हैं। ऐसा नहीं कि इनको डर लग रहा है, ऐसा है कि जैसे इनकी शिफ्ट खत्म हो गई है और इनको अब सोना है। तो इन्होंने सबने अपना अपना एक बैट पकड़ लिया है, और भाई इसके साथ ही यहाँ पर चल रहा है हमारा स्लीपिंग टाइम। इसके लिए थोड़ा सा बैट छोटा है, कुछ और सोचते हैं तो कुछ बड़ा करते हैं इसके लिए, डोंट वरी भाई। इसके ये बेड्स मैंने सबके बनाए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, किसी को बाहर सर्दी में सोने के लिए मजबूर नहीं करता ना, भाई ये पेड़ बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, तो इसको फटाफट हम लोग ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअल में इतनी तेज़ स्पीड नहीं होती है, तो गुस्सा मत करना, आप खुद गेम खेलोगे, काफ़ी स्लो स्पीड होती है, ये मैंने तेज़ करके आप लोगों को दिखाया है कि भाई फुल स्पीड में ये बंदा खेल रहा है। और भाई ऐसी अनचाही चीज़ें आपको बार बार मिलती रहेंगी, बस मेरे पोकेमॉन्स ना उठ जाएं इसकी आवाज़ से यार, मुझे बहुत बुरा लगेगा इनकी नींद खराब हो गई तो। और भाई अभी मैं भी ना इसके बाद जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह हमें करना है एक बहुत ही ज़रूरी काम, और वो काम है भाई हमारा पहला बॉस पोकेमॉन पकड़ने का, जो कि है चिलियाड। और भाई वो मिलेगा हमें दूर दराज वाली पहाड़ी पे, जिसमें बहुत ही अजीब अजीब पोकेमॉन्स रहते हैं। तो भाई वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे और अजीब अजीब से पोकेमॉन दिखाएंगे हम। ये देख रहे हो मेरे बाकी पोकेमॉन्स की शिफ्ट स्टार्ट हो गई, वो फिर से भाग के वापस चले गए। भाई इस पाल बॉक्स से हम लोग पाल्स को मैनेज कर सकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। ये सारे पाल्स काम पे आ गए हैं। ये कैटीवा है, ये बहुत ही अच्छे पत्थर तोड़ता है, आप किसी भी पत्थर की चट्टान पे इसको लगा दोगे पत्थर तोड़ना स्टार्ट कर देगा, आपको स्टोन मिल जाएंगे बहुत सारे। भाई यहाँ पर एक मैंने काऊ छोड़ी हुई है, दो हैं लैम्बल जो कि लैम्ब्स हैं, एक मैंने छोड़ा है चिकीपी, इसका नाम चिकीपी है, ये एक्चुअली मुर्गी है, तो इससे अंडे मिल जाते हैं, काऊ से मिल जाएगा मिल्क, और लैम्बल से मिल जाएगा भाई हमें वुल। तो ये सारे के सारे इसी बाड़े में काम करते हैं, और भाई यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें, जैसे इसमें देख लो 31 एग्स हैं, मिल्क है 17, तो मिल्क मेरे पास नहीं था तो मैंने मिल्क आधा यहाँ से उठा लिया है और अपने पास रख लिया। ये चीज़ें खाने पीने में काम आती हैं, आप किसी भी टाइम पे भी आपको नोटिफिकेशन दे देगा दैट यू आर हंग्री एंड कुछ खाओ, तो उस टाइम पे आपके पास होना चाहिए भरपूर मात्रा में। अभी फिलहाल मेरे पास एक भी पाल सफायर नहीं है। पाल सफायर क्या होता है मैं आपको बता दूँ, पाल सफायर वो बॉल है जिससे आप पोकेमॉन कैप्चर करते हो, तो आपके पास वो बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में होना चाहिए अगर आप किसी भी पाल को कैप्चर करने के लिए निकल रहे हो, और वो भी वो पाल जो कि बॉस पोकेमॉन है। भाई बॉस पोकेमॉन पकड़ने में आपके 5 से 6 पाल सफायर भी खर्च हो सकते हैं, बिकॉज उसको बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेगा। तो फिलहाल मैंने कैटीवा अपने पास रखा है, और मैं बेस पर रखूँगा इन्हीं लोगों को जो चलते आ रहे हैं। एक काऊ है, दो लैम्ब हैं, दो चिकीपी हैं, एक मैंने ईवी रखा हुआ है, फॉक्स जो है वो फायर की काम निपटा देता है। भाई अब मुझे चाहिए पाल सफायर, जिसको बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा अपने वर्क बेंच पर। पाल सफायर को बनाने के लिए आपको चाहिए 3 वुड 3 स्टोन एंड 1 पाल फ्रेगमेंट करके एक स्टोन आता है क्रिस्टल। तो भाई 27 मैंने लगा दी हैं, मैं देखता हूँ कौन मेरी हेल्प करने आएगा पोकेमॉन में से। कोई आ भी रहा नहीं आ रहा है भाई, आया कैटीवा आया भाई, लेकिन रुक गया यार, वापस चला गया। अच्छा मेरे को देख के कह रहा है कि अगर तू खड़ा तो कर लेना काम। भाई लैम्बल आया, लैम्बल ने आधा किया, आधा करके भाग गया भाई, इसने एक भी कंप्लीट नहीं किया। फिर कैटीवा आया वापस, कैटीवा मेरी हेल्प कर रहा बनाने में, वेरी गुड भाई। एक मैंने कैटीवा और लगा दिया तो ये वाला भाग गया, कह रहा एक लगा ही दिया तो इससे करवा लो, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। तो भाई ये तो मैंने छोड़ा है इस काम के लिए, ये तो भागेगा नहीं, तो इसकी हेल्प मैं करा देता हूँ। और भाई पूरा कंप्लीट होने के बाद ना इसका रिएक्शन देखना, ये कितना प्यारा रिएक्शन देता है, जैसे कि इसको मैंने बहुत बड़ा काम दिया, उसने कंप्लीट कर दिया, ये जैसे शाबाशी चाह रहा है मेरे से कि मालिक हो गया काम। देखो
कितना क्यूट सा रिएक्शन देता है। अब इसको लेकर आई थिंक अब निकलना चाहिए। इसमें आपको दो ऑप्शन है, या तो आप लोकेशन पता कर लो और आप भागते हुए चले जाओ, ठीक है। अब जितनी भी भारी चीज़ें पहले मैं उनको हटा देता हूँ, जितनी भी मेरे भारी भारी चीज़ें होंगी वरना भागने में दिक्कत होगी। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी चीज़ें वहाँ पर स्टोरेज में है, सेम चीज़ अगर राइट क्लिक करोगे अपने आप चली जाएगी। और भाई आपका वजन जो है ना यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा है वाइट लाइन में, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका वजन आप कितना कैरी कर रहे हो, कितना कर सकते हो। 350 मैक्सिमम लिमिट है, मेरे पास 119 है अभी, मतलब 3 किलो 50 ग्राम मैक्सिमम कैरी कर सकता हूँ और 1 किलो 19 ग्राम मैं ऑलरेडी कैरी कर रहा हूँ। मैं इसको 350 केजी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको रियल लगता रखते हैं थोड़ा सा, और वूल वगैरह में इतना वजन होता भी नहीं है। तो इस बार आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक या तो आप नक्शे में चेक करके एंड भागते हुए चले जाओ, दूसरा पाल बॉक्स पे आ जाओ, यहाँ से फास्ट ट्रैवल का ऑप्शन होता है वो आप चूज़ कर लो और निकलो यहाँ से। फास्ट ट्रैवल जैसे ही ओपन करोगे आपको मैप ओपन हो जाएगा, मैप में आपके ये चेक पॉइंट्स होते हैं जितने भी आपको ये लाइक फ्लाइंग आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये आपके फास्ट टावर्स हैं। और इसके लिए आप जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। भाई यहाँ से हमें जाना है उस राउंड सर्कल वाले ऑप्शन पर जहाँ पर चिलियाड अवेलेबल है, और अभी बिल्कुल मेरी नाक की सिलाई पर इस पहाड़ के ऊपर या पीछे दिखा रहा है, तो मैं पीछे की तरफ को पहले तो मान के चलते हैं पीछे ही होगा। तो हम राइट साइड से निकलते हैं बहुत आराम आराम से। तो मैं निकला हूँ पर आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा तेज क्योंकि बोर हो जाएगा। कैसे अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हो तो आपने 50% वीडियो देख लिया है, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो यार एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि ऐसी वीडियो लगातार लाते रहना है और आपका मनोरंजन करते रहता है। तो भाई मैंने अपने बांदरू पे एक पोकेबॉल छोड़ा बट वो आया नहीं कैप्चर होने। वो कह रहा भाई मैं ऐसे हार मानता नहीं, तो भाई इसको पहले करेंगे थोड़ा सा वीक और फिर इस पर दोबारा से ट्राई करेंगे। भाई एक बांदरू नीचे भी जो गुस्से में है थोड़ा सा अटैक कर रहा है, भाई 78% चांसेस थे फिर 87 में 100 होगा, ये मेरे को बांदरू मिल गया एक। भाई दूसरा वाला बांदरू नीचे कैटीवन ने ठिकाने लगा दिया है। तो भाई आपको है ना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने पोकेमॉन्स पर, क्योंकि आपके पोकेमॉन कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सामने वाले को मार ही देते हैं, फिर आप उनको पकड़ तो नहीं पाओगे, आपको फिर 2-4 बेरीज या फिर मशरूम मिल जाएंगे जो कि उनकी पॉकेट में पड़े होते हैं। तो भाई अभी मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ राइट साइड से ही ना धीरे धीरे पत्थर चढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि नीचे तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ से ऊपर चढ़ने का स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा पत्थर आपको ये याद रखना है कि जो आपकी पावर है ना, ये पावर आपकी जब तक रेड है मतलब जब तक वाइट है तब तक ठीक है, अचानक से जैसे रेड हुई ना ये पहाड़ी चढ़ना छोड़ देगा, ये अपने हाथ पैर सब छोड़ देगा, इसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है इसके अंदर। तो अगर आप किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हो भाई आपको लगता है कि आपकी पावर बनी रहेगी, नहीं वो वहीं छोड़ देगा, नीचे आगे गिर जाओगे वापस। भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं ऊपर। भाई यहाँ पर थोड़े से अजीब तो नहीं बट थोड़े से बड़े बड़े पोकेमॉन्स हमको दिखाई देने लग गए हैं। बड़े बड़े पोकेमॉन से मैं आपको बताऊं तो भाई एक यहाँ पर उड़ने वाला पोकेमॉन है बहुत पावरफुल है, और भाई आप 27 हम लोग पाल सफायर लेकर आए थे, एक हमें यहाँ पे पड़ा हुआ मिल गया, 28 हो गए, तो भाई 27 से 28 बोले। भाई हमें चाहिए चिलियाड, भाई मुझे एक ग्रीन कलर का पोकेमॉन दिख रहा है जिसका पूरा नाम है कैपरिटी, और ये भाई इसका एक छोटा पोकेमॉन मेरे पास है ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो भाई इस ग्रीन वाले को कैप्चर करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन ये तो भाग रहा है यार, नहीं ये तो डर गया, इसको नहीं कर सकते। और भाई नीला वाला पोकेमॉन मुझे यहाँ पे दिख रहा है और आई थिंक यही है चिलियाड, और भाई ये है हमारा मेन पोकेमॉन जिस पे हमें अटैक करना है। भाई यही है हमारा मेन टारगेट आज के दिन का, यही है हमारा पहला बॉस पोकेमॉन। भाई ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है, अगर हमने इसे पकड़ लिया तो बहुत ही तगड़ा एडिशन हो जाएगा हमारे कलेक्शन में। और भाई इसको पता चल गया कि हमने इस पर अटैक किया है, भाई मैंने अपना कैटीवा छोड़ दिया है, कैटीवा बस कोशिश करना भाई कि उसको मारे मत और खुद भी मत मरियो क्योंकि ये बहुत पावरफुल लग रहा मुझे यार। इस पर अटैक कर दिया, उसमें आग लग गई यार, मैंने 4 पोकेमॉन ये फाइनली मैंने पकड़ लिया शायद 40% भाई हो गया, अरे हो गया भाई, ये मेरा बॉस फर्स्ट किल है। एक्वायर्ड वन मोर एंशिएंट, इसने कोई टारगेट दिया कि भाई एक और कर लो, पर वो बाद में देखते हैं। भाई मेरा फर्स्ट बॉस पोकेमॉन मैंने पकड़ लिया। भाई अब जो ग्रीन वाला था ना अब बारी उसकी, बाकी सब तो हो गया, पीछे से जाएंगे फ्रंट से जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा, फिर से भाग जाएगा। एक पाल सफायर और मिला मुझे यहाँ पे, हाँ यहाँ से वो लेफ्ट साइड की सब चले गया। मैं आपको कोई भी खाने पीने के आइटम मिलेंगे जैसे मशरूम हो गया, चेरीज हो गई, वो आप ज़रूर ले लेना। भाई यहाँ से वो कैप्रीसी आ गया, कैप्रीसी 10% चांसेस से मैंने अटैक किया और वो भाग गया, मैंने फिर से अटैक किया है, देखते क्यों मिल जाएगा। भाई ये तो अटैक कर रहा बाहर निकलते यार, ये खरगोश भी लग रहा है, बल्बसौर भी लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज़ है ये। भाई मेरा कटीवा जो है वो परमानेंटली कंटिन्यूसली अटैक किया जा रहा है, और भाई ये है कि मान नहीं रहा हार यार, बाहर आ गया। भाई मेरा फोर्थ टाइम अटैक है इसके ऊपर, ये 60% होने के बाद बाहर आ गया यार, दिस इज़ नॉट एट ऑल फेयर। और भाई नहीं यार, ऑलमोस्ट उस कंडीशन में था कि मुझे मिल जाता है, पर कटीवा ने लास्ट टाइम में उसको मार ही दिया। तो भाई सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल तो भाई इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा। तब तक अपने घर वालों का रखो ध्यान, और आप सबको राम राम। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और भाई अगर ये गेम आपको फ्री में चाहिए ना तो यार कमेंट करो, अगर फ्री में गेम चाहिए तो कमेंट करो, आपको बहुत ही ईजी तरीके से गेम मिल जाएगा फ्री में, वैसे पेड है आपको फ्री में मिलेगा। बाय।